कच्छप रूप मीन रूप जितना भी आया है, सबसे पहले जो हमारा अवतार है वह जल से ही शुरू हुआ है, तो नदी सबसे है और विद्यापति है इसके बहुत बढ़िया, नदी के किनारे ही अपना बहुत बड़ा पद्य है, बड़ सुख सार पावल तू अतीरे छाड़ई ते निकट नयन बहनीरे। जी जी विद्यापति कर जोरी बिनमो बिमल तरंगे पुन दर्शन हो पुनमति गंगे, एक अपराध क्षमब मोर जानी परसल माये पाए तू पानी, की करब जब तप जोग ध्याने जन्म कृतारथ एक ही सनाने। एक बार डुबकी लगाने ने पर ही आदमी का जन्म पुण्य पुण्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो नदी पतित पावनी है, पपियों को उद्धार करने वाली है। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कि धराशायी हो गए थे कपिल मुनि के साप से, फिर वही भागीरथी ने जिसके नाम से भागीरथी गंगा आज भी प्रचलित है, तो यह कोई साधारण नहीं है, इतिहास नहीं है, बल्कि हमारा पौराणिक जुड़ा हुआ है नदियों के साथ से, पुराण जुड़ा हुआ है। तो सभी लोगों से यह आग्रह है कि इस पवित्र पावन अवसर पर जरूर आवे और सहयोग करें हमें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद गुरुदेव। आचार्य पंडित श्री अनिरुद्ध दुबे जी महाराज ने बताया कि विद्यापति जी की जो सोच थी, विद्यापति ऐसे भक्त हुए जिनके यहाँ भगवान शंकर भी उनकी सेवा करने के लिए उगना का रूप धारण करके उनके घर में रहे, सोच सकते हैं कितना महान देश भारत है। और आइए, हमारे बीच सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं, साथ में शिवचंद्र शर्मा जी मौजूद हैं जो बड़े अच्छे कलाकार हैं, फिर दो शब्द हम जानना चाहेंगे सत्येंद्र सिंह जी से, जो कैसे इस महाआरती में भी आते हैं और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं और रुद्र नेचुरल के माध्यम से कैसे लोगों को रोजगार की ओर उन्मुख कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी जी नमस्कार, हम रुद्र नेचुरल हनी और साबुन, नेचुरल साबुन का प्रोडक्ट करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं और पुरुषों को जोड़ते हैं ताकि उनको घर बैठे रोजगार मिले और इस गंडकी महाआरती में सबको आना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के प्रति बहुत बड़ी एक आस्था है जो हमें प्रकृति हर तरफ से बचाती है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो महाआरती में आए और हिस्सा ले, उसमें भागीदारी अपना निभाए। धन्यवाद सत्येंद्र सिंह जी जो रुद्र नेचुरल हनी और साबुन के निर्माता हैं। हमारे शिवचंद्र शर्मा जी जो विगत कई वर्षों से अध्यात्म की सेवा में हैं, स्वरांजलि सेवा संस्थान के साथ हैं और साथ साथ इनके माध्यम से भी नेपाल में महाआरती की जाती है, और कैसा महसूस करते हैं आप इस घाट पर आकर? इस घाट पर आकर तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि गंगा मैया का जो आरती है सबको भाग्य में नहीं लिखा रहता है, जिसका भाग्य में होता है वही गंगा माँ का आरती कर पाता है। गंगा माँ के आरती करने से कोई घाटा नहीं है, बहुत फायदा भी है, आपका दुख वाला है सब दूर होता है। धन्यवाद शिवचंद्र शर्मा जी। और चलते चलते हमारे आज, जैसा कि बता दें कि स्वरांजलि सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अंजू देवी की नतनी का बर्थडे जो इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें हम पौधा रोपण करेंगे और पौधों का निशुल्क वितरण भी किया जाएगा और सभी आचार्य पंडित मौजूद रहेंगे, और ये हमारा छोटा सा परिवार है क्योंकि आज श्रावणी पूर्णिमा थी और श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर हम सभी मौजूद होकर अपनी इस परंपरा का निर्वाह किए हैं। समय कम है, फिर भी प्रेम से बोलेंगे गंगा मैया की, गंडकी माता की, और जो नहीं पहुँच पाए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और हम सभी विदा लेंगे क्योंकि अगले कार्यक्रम की तैयारी है। और अगर कोई भूल चूक हो तो नारायणी माता, गंडकी माता, धरती माता, भगवान शंकर शिव हमें माफ़ करें, क्षमा करें, क्योंकि पूजा पाठ भी बहुत ही कठिन कार्य है और न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। और ऐसे आचार्य जी हमारे बीच मौजूद हैं और हम भला इनके लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसे आचार्य हमारे ई टाइप कॉलोनी में, वाल्मीकि नगर में विगत कई दशक से हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और ऐसे विद्वान जो संस्कृत भाषा में भी बात कर सकते हैं, इतनी योग्यता रखते हैं, तो गुरुदेव के चरणों में पुनः हमें रक्षाबंधन के दिन हम सभी प्रणाम करते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे और हम सभी चाहेंगे प्रसाद वितरण किया जाए और हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोले नारायणी गंडकी माता की जय।